लोग पूछ रहे हैं मैम आपने ये बहुत ही अच्छा हमें तरीका बताया है लॉकडाउन में कमाने के लिए, अब वो अपने अपने आइडियाज़ को किस तरीके से ला कर ऑनलाइन कर सकते हैं इसके बारे में उन्हें और ज़्यादा जानकारी चाहिए। तो आज मैं आप सभी के साथ 5 ऐसे पॉइंट्स बताना चाहती हूँ या शेयर करना चाहती हूँ, जिसके थ्रू अगर आप उन पॉइंट्स के ऊपर चलते हैं तो आप अपने सपनों की मंजिल तक पहुँच सकते। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी, स्वागत है आपका आज फिर हमारे इस नए वीडियो में। मैं इंदु चौधरी, आपकी ऑनलाइन बिजनेस कोच। हमारी पिछली वाली जो वीडियो थी जिसमें कि मैंने आप सभी को बताया था कि लॉकडाउन पीरियड में आप किस तरीके से अपने बिज़नेस को ऑनलाइन लाकर कमा सकते हैं, उस पर रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया, मेरे पास लगातार लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं मैम आपने ये बहुत ही अच्छा हमें तरीका बताया है लॉकडाउन में कमाने के लिए, अब वो अपने अपने आइडियाज़ को किस तरीके से ला कर ऑनलाइन कर सकते हैं इसके बारे में उन्हें और ज़्यादा जानकारी चाहिए। तो आज मैं आप सभी के साथ 5 ऐसे पॉइंट्स बताना चाहती हूँ या शेयर करना चाहती हूँ, जिसके थ्रू अगर आप उन पॉइंट्स के ऊपर चलते हैं तो आप अपने सपनों की मंजिल तक पहुँच सकते हैं। ये स्टेप्स जो हैं, ये 5 बेसिक स्टेप्स हैं, बहुत ही सिंपल, इसे कोई भी बंदा कर सकता है, चाहे वो कोई लेडीज़ हो या कोई जेंट्स हो, जिस भी बंदे में एक आग है कुछ करने की वो इन 5 स्टेप्स को बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो, जिसमें कि 5 सिंपल स्टेप्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो पहला बेसिक स्टेप है, अपने अंदर हम लोगों को झांकना है, हमें अपना टैलेंट निकाल के लाना है। हम सभी में कोई ना कोई ख़ास बात होती है, कुछ ना कुछ टैलेंट हम सभी लोगों में छुपा हुआ होता है, बस ज़रूरत है उसे पहचानने की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि नहीं मैम मेरे अंदर इस तरीके का कोई टैलेंट नहीं है, पर मैं आपको बता दूं, यहाँ टैलेंट का मतलब सिर्फ सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग इन सब चीज़ों से नहीं है। टैलेंट बहुत तरीके के होते हैं, आपको अपने अंदर छुपा हुआ कलाकार ढूंढना है। वो कलाकार किसी भी तरीके से हो सकता है आप एक अच्छे कुक हो, आपको बहुत ही अच्छा कुछ बनाना आता हो, या आपने मास्टरी करी हो किसी भी तरीके के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स में, या हो सकता है कि आपको ऑनलाइन इंटरनेट की बहुत अच्छी जानकारी हो। इसके अलावा भी आप लोगों में बहुत ही तरीके के कैपेबिलिटीज़ आप कह सकते हो सकती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस तरीके की जो भी आपके अंदर टैलेंट छुपे हों उन्हें आपको निकालना है। आज पहचानिए, अंदर झांकिए और अपने आप को पहचानिए कि आपके पास ऐसा क्या है जिसको अगर आप अपने लोगों के साथ अपने ऑनलाइन वर्ल्ड में शेयर करते हैं तो लोग उसके बदले में आपको कुछ पैसा पे कर सकते हैं। इसके लिए जैसे कि आपको कुछ भी आता है, आपको मेकअप आता है, आपको किसी भी तरीके के कपड़े बनाने आते हैं, इसको फैशन डिज़ाइनिंग बोलते हैं, तो उस चीज़ को आप लोगों को सिखाना शुरू करिए, या कोई भी सर्विस जो आप प्रोवाइड करते हो आप उसको ऑनलाइन लेके आइए। ये तो हुई आपके अपने टैलेंट की बात। अब क्या होता है कि कुछ लोगों को पता है अरे हाँ मेरे में टैलेंट है, पर वो उस लेवल का नहीं है कि मैं उसको प्रोफेशनली चला पाऊँ। होता है ना कि बहुत लोगों को पता है कि मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ, हाँ तो ठीक है, पर इससे मेरी फैमिली वाले खुश हो सकते हैं, बाहर के लोग शायद ना खुश हो पाए क्योंकि उनको और बहुत कुछ चाहिए, क्योंकि 5-स्टार होटल्स उनके सामने एक बड़ा कंपैरिजन है, या आप कहें रेस्टोरेंट्स वगैरह। तो बात यहाँ पर है कि हाउ टू बी प्रोफेशनल। अब आपको 2 कदम आगे चलना है अपने, एक होता है शौक, टैलेंट अभी तक जो आपका शौक था, अब आपको उससे 2 कदम आगे चल के आपको बनना है प्रोफेशनल। तो उस प्रोफेशनलिज्म के लिए आपको कुछ काम करना है, जो कि हमारा है सेकंड पॉइंट है, जो भी आपका टैलेंट है उसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, रिसर्च करना है,
अपनी स्किल्स को बढ़ाना है। आज हो क्या रहा है, ऑनलाइन वर्ल्ड है, इंटरनेट का ज़माना है, लोगों के हाथ में मोबाइल जैसी चीज़ है और पूरा दिन वो लोग सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, पर उसको कुछ लोग अच्छे काम के लिए यूज़ कर लेते हैं और कुछ लोग सिर्फ टाइम वेस्ट करके निकल जाते हैं। तो जो लोग इस मोबाइल की और इस नेटवर्क की पावर को जानते हैं वो इसको यूटिलाइज़ करते हैं अपने बिज़नेस, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए। तो कभी भी अगर आपको ज़्यादा कमाना है लाइफ में तो आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। दिस इज़ द फास्टेस्ट थिंग, मतलब आपको ये चीज़ तो इतनी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। सो यू नीड टू बी अपग्रेडेड, आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो आपका जो भी टैलेंट है उसको अब एक शौक ना रहने दें, उसको अब प्रोफेशनल लाने के लिए आप अपनी स्किल्स को और बढ़ाएं। ऑनलाइन बहुत तरीके की कोचिंग्स हैं, बहुत तरीके के कोर्सेज हैं, बहुत तरीके की वीडियोस हैं, आप सीखें, लर्न करें, लर्निंग मोड पे आ जाएं एंड देन उसके बाद ही आप उस अपनी इस टैलेंट से अर्निंग करने के बारे में सोचें। तो फर्स्ट स्टेप टू अर्न इज़ लर्न, आपने लर्न करना है। जो भी इंसान इस दुनिया में लर्न करने को तैयार है वही बंदा आगे जाके अच्छा अर्न करता है। तो यू नीड टू बी मीन्स आपको एक अच्छे मोड में आना है, एक लर्निंग मोड में आना है। तो ये होता है आपका सेकंड स्टेप, जिसमें कि आपको अपना जो लर्निंग मोड है ये ऑन करना है। अब आते हैं आपके थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट बहुत ही इजी है। अब ये है आपका नेक्स्ट लेवल। इसमें क्या है, आपको पता चल गया मेरा ये शौक़ है, आपने अपनी स्किल्स को उसमें और बढ़ाया, अब आप प्रोफेशनल बन चुके हैं। अब आपको अपने इस प्रोफेशन को, अपने इस स्किल को लोगों के सामने दिखाना है, लोगों को शोकेस करना है। तो उसका जो तरीका होता है वो ये है कि आपको अपनी एक बनवानी है बेसिक वेबसाइट। अब बनवानी मैं कह रही हूँ, बट ये बहुत इजी है। आजकल के वर्ल्ड में कोई भी जिसको बहुत सिंपल सी बेसिक सी कंप्यूटर की नॉलेज भी है वो भी आराम से एक वेबसाइट बना सकता है। और शुरुआत में आपको एक बेसिक वेबसाइट ही बनानी है, शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बेसिक सी वेबसाइट बनानी है, उसमें अपने बारे में थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन देना है, अपनी सर्विसेज के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जो भी आपके हैं उसको लिस्ट करना है वहाँ पर। ये आपका जो होता है थर्ड पॉइंट है, मतलब कि जो भी आपके स्किल सेट हैं वो आपको लोगों को शोकेस करने हैं। देन उसके बाद आपका जो आता है वो आता है फोर्थ पॉइंट। और इस फोर्थ पॉइंट में मैं आपको बताऊं कि अब आप कमाने वाले हैं, मतलब कि अब आप ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर बनने वाले हैं। आपने बहुत अच्छा टैलेंट दिखा दिया, आपने बहुत अच्छी प्रोफेशनल स्किल्स जो हैं वो डेवलप कर ली हैं, उसके बाद आपने एक वेबसाइट बना ली है। नाउ अब उस वेबसाइट को मोनेटाइज करना है। मोनेटाइज करने का तरीका बहुत ही इजी है, उसमें आपने पेमेंट गेटवेज लगाने हैं। आपकी जो भी सर्विसेज हैं उसे लिस्ट करिए अपनी वेबसाइट पे एंड पेमेंट गेटवेज लगाने हैं। वो बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं जो हमारे कोर्सेज में आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अब आपने अपनी एक वेबसाइट बना ली अच्छी सी, उसमें अपने बारे में सब कुछ बताया है, अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, अपनी सर्विसेज के बारे में बताया है, आपने अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर दिया है। मोनेटाइज का मतलब है कि आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, अगर लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो वो ऑनलाइन ही पेमेंट करके आपसे आपकी सर्विसेज, आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो परचेज कर सकते हैं। तो ये आपका पॉइंट होता है फोर। एंड देन उसके बाद अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, जो कि आपका होता है शेयर इट। मींस आपने एक वेबसाइट बना ली है, उसे मोनेटाइज कर लिया है, मतलब कि आपने अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को शोकेस कर दिया है अपनी वेबसाइट पे। आप उससे कमाने के लिए तैयार हैं, आप पैसे कलेक्ट करने के लिए तैयार हैं, बट लोगों को अभी तक आपकी वेबसाइट के बारे में नहीं पता है, लोगों को आपकी स्किल्स के बारे में अभी तक नहीं पता है। तो फिफ्थ पॉइंट आता है जस्ट शेयर इट विद द वर्ल्ड। आपको अपनी स्किल्स को, अपनी इस वेबसाइट को लोगों को दिखाना है ऑनलाइन, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर, और लोगों के साथ अपने सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स को शेयर करना है।
जब आप ऐसा करते हैं तब लोग आप में इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं, आपकी वेबसाइट पे आते हैं, आपके प्रोडक्ट्स आपकी सर्विसेज में इंटरेस्ट दिखाते हैं, एंड देन उसके बाद दे कैन ईजिली सब्सक्राइब यू। वो आपको सब्सक्राइब करते हैं, आपकी प्रोडक्ट्स लेते हैं, आपके सर्विसेज लेते हैं। इस तरीके से कोई भी पर्सन घर बैठे अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। तो ये हुए आपके 5 सिंपल स्टेप्स जो कि मैं आपको बताना चाहती थी कि हाउ टू बिकम एन ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर। ये बहुत इजी स्टेप्स हैं, कोई भी इसे कर सकता है। बहुत ही बेसिक नॉलेज की इसके लिए रिक्वायरमेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं रिक्वायर्ड होती है। अगर फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद भी अभी भी आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, आपकी वेबसाइट को कैसे मोनेटाइज करना है, कैसे पेमेंट गेटवेज लगाने हैं, कैसे इनको ऑनलाइन पोर्टल्स पे शेयर करना है जिससे कि आपके पास लीड्स आए, तो उसके लिए हम लोगों ने एक बहुत ही सिंपल सा एक कोर्स बनाया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 बेसिक स्टेप्स हैं। वो बेसिक स्टेप्स इतने क्लियर हैं, उसमें कोई भी तरीके की फालतू थ्योरीज़ नहीं रखी गई हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो एग्जैक्ट पॉइंट है, जो एग्जैक्ट आपको करना है बताया गया है, तो आप उसको इजीली समझ सकते हैं और अपनी वेबसाइट में अप्लाई कर सकते हैं। आप एक इजी सी वेबसाइट खुद से बना सकते हैं, उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, उसमें पेमेंट गेटवेज लगा सकते हैं, और उसके साथ साथ कहाँ उसको किस तरीके से ऑनलाइन मार्केट करना है वो सब कुछ उस ऑनलाइन कोर्स में हम सिखाते हैं। आप चाहें तो अपनी तरीके से गूगल पे जाकर भी इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं, पर हो सकता है कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ जाए। वो आपकी मर्ज़ी पे है कम्प्लीटली, क्योंकि ये नॉलेज जो है मैंने भी कई सालों में गेन की है, बट मैं आप लोगों को नहीं चाहती हूँ कि आप इस छोटी नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करो। तो मैंने अपनी जो नॉलेज है वो एक छोटे से डॉक्यूमेंट में बनाकर, एक कोर्स में बनाकर हर किसी को प्रोवाइड करने के लिए रखा है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो कोर्स है, वो इतना एग्जैक्ट है कि कोई भी इसको बहुत ईजिली समझ कर इम्प्लीमेंट कर सकता है। फिर भी अगर आपको इस डॉक्यूमेंट को समझने में या इस कोर्स को समझने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं अप टू 1 वीक। मतलब कि जब भी आप ये कोर्स लेते हैं उसके 1 हफ्ते तक इस कोर्स में जो कुछ भी सिखाया गया है उसको इम्प्लीमेंट कराने में हम आपकी पूरी पूरी हेल्प करते हैं, ताकि आपको अपना बिज़नेस स्टार्ट करने में कहीं कोई दिक्कत ना आए। फिर भी अगर आप अपने तरीके से अपने बिज़नेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए खुद से कुछ स्ट्रगल करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो ओके, ये आपके ऊपर है। बट ये जो 5 स्टेप्स मैंने आपको बताए, यही वो 5 तरीके हैं एक ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। और इसी के साथ मैं ये वीडियो जो है अब फिनिश करना चाहती हूँ। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो आप लोगों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, और मेरे साथ इसी तरीके की नॉलेज को गेन करने के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी एट माय इंदु चौधरी ऑनलाइन बिजनेस स्कूल।